उससे पंगा मत लेना, आप उससे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बालासाहेब ठाकरे का। शिवसेना के सांसद संजय राउत यूं तो अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। दरअसल ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। वर्षा राउत को ईडी ने मुंबई के केंद्रीय एजेंसी में 29 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। इस मामले पर संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी है। ये सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुरानी एक केस निकाला है ईडी ने, 10 साल पुराना। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं, मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है, 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सीएम पद पर टकराव के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। जब से शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से ही बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते खराब हुए हैं। ऐसे में शिवसेना सांसद तमाम मुद्दों पर सरकार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। शिवसेना अपने नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताते हैं। संजय राउत की पत्नी को ईडी का नोटिस भेजे जाने को भी शिवसेना इसी तरह से देख रही है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।